है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी डीआईवाई हेयर केयर रेमेडी जिसकी हेल्प से अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज लग रहे हैं, फ्रिजी हो गए हैं, बालों में कोई शाइन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डल हो गए हैं आपके बाल, तो इस डीआईवाई रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। मैंने इसमें जितने भी चीज़ें यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इजीली आपको आपके किचन में मिल जाएगी, और ये आपके बालों के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इससे आपके बाल शाइनी हो जाएंगे, सॉफ्ट स्मूथ हो जाएंगे और लंबे घने और मजबूत हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस डीआईवाई रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आधा बोल यानी आपको आधी कटोरी बॉयल राइस लेनी है, उबले हुए चावल लेने, जो हम नॉर्मली दाल चावल खाते हैं वैसे ही आपको उबले हुए चावल लेने हैं। उसके बाद आपको इसमें लेना है फ्रेश एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल सबके घर में ज़्यादातर उसका पौधा लगा ही होता है, अगर पौधा नहीं है तो आप मार्केट का भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। उसके बाद आपको अगली चीज़ जो लेनी है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बालों को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा, बालों में शाइन लेकर आएगा और आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा लंबा घना बनाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको एलोवेरा जेल को छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एक मिक्सी जार। उसके बाद आपको इसमें आपने जो एलोवेरा जेल कट करके रखे आपको वो उसमें डालना है। उसके बाद आपने जो बॉयल्ड राइस लिए हैं आपको वो उसमें डालने हैं। और उसके बाद लास्ट चीज़ जो मैंने इसमें ऐड करूँगी वो है कोकोनट ऑयल। आप जो भी अपने बालों में तेल यूज़ करते हैं आपको वो ऑयल लेना है। मैं यहाँ पर कम से कम 2 से 3 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड करूँगी। कोकोनट ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये आपके बालों के साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बालों में एक शाइन लेकर आएगा, बालों को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा और सिल्की बनाएगा। अब आपको इन्हें अच्छे से मिक्स पीस लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको एक बोल लेना है और छलनी की हेल्प से इस मिक्सचर को स्टेन कर लेना है यानी छान लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। पार्लर जाकर हेयर ट्रीटमेंट कराने की बजाय, महंगे महंगे शैम्पू प्रोडक्ट यूज़ करने की बजाय अगर आप नेचुरल यूज़ करोगे तो बालों को कोई हार्म नहीं होगा, बल्कि आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स का यही एक इलाज है। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपको पहली बार में रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपके बाल कितने ज़्यादा शाइनी हो गए हैं, सॉफ्ट स्मूथ हो गए हैं। साथ ही साथ रेगुलर यूज़ करोगे तो आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि इस रेमेडी को यूज़ किस तरीके से करना है। यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब भी आपको अपने हेयर वॉश करने हैं उससे कम से कम 1 घंटा पहले आपको इस मास्क को अपने हेयर्स पर अच्छे से अपने बालों पर अप्लाई कर लेना है। इसको आपको अपने बालों की जड़ों से लेकर अपने बालों की पूरी लेंथ पर अप्लाई करना है, पूरी जड़ों से लेंथ पूरे अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको कोई भी पॉली बैग या फिर शावर कैप की हेल्प से अपने बालों को अच्छे से ढक लेना है, और उसके बाद 1 घंटे बाद आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आप इसे रात को लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, पूरी रात ऐसे ही लगा छोड़ दें। और आपको क्या करना है कि आपको पूरी रात लगा छोड़ देना, तो आपको शावर कैप या फिर पॉली बैग कोई भी ज़रूर लगाना है। इससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट मॉर्निंग धोओगे तो आपके बालों में जो शाइन होगी वो देखने लायक होगी। आपके जो बाल बहुत ज़्यादा डल फ्रिजी डैमेज फील कर रहे हैं उसमें एक शाइन आएगी, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे घने मजबूत हो जाएंगे और आपके बालों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। सारी हेयर प्रॉब्लम्स का एक वन सोल्यूशन यही है ये हेयर मास्क। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।